दोस्तों आपका स्वागत है पूरा चुगड़े द वे टू द सक्सेस में। आज हम क्लास सिक्स की एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस की शुरू करने जा रहे हैं। ये बुक सोशल साइंस की है जिसमें हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ये पार्ट वन है क्लास सिक्स की। यहाँ पर हम पॉलिटिकल साइंस को डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम सिविक्स को सीखेंगे। यहाँ ये अगर इस बुक की बात करें तो ये बुक आपके छह पार्ट में डिवाइडेड है। वहां पर आज हम फर्स्ट पार्ट को करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी को। ये हम यहां पर बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी की। यूनिट में हम बात करेंगे डाइवर्सिटी की और पहला चैप्टर हम डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। सेकेंड चैप्टर में बात करेंगे डाइवर्सिटी एंड इस डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी। तो यहां पर आप ये समझ पा रहे हैं कि हम डाइवर्सिटी की बात करने जा रहे हैं, हम अंतर की बात करने जा रहे हैं, हम लोगों के बीच में जो अंतर है इंडिया में, हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। और नेक्स्ट चैप्टर में हम डाइवर्सिटी की बात करेंगे लेकिन वहां पर हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे, अंतर बताएंगे कि ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है, ये डाइवर्सिटी के कारण हम कर रहे हैं। तो यहां पर आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें हम पॉजिटिविटी की बात करेंगे, नेक्स्ट वाला हम नेगेटिविटी में जाएंगे थोड़ा सा। तो हम इन दोनों को जोड़ के हम अच्छा ऐसे लिख सकते हैं कंपटीशन के लिए, और जो क्लास सिक्स में है इसको लाइन बाय लाइन पढ़े हमारे साथ। अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी, यहां पर हम अंतर को समझेंगे। हम लोगों में हर एक आदमी एक दूसरे से अलग है, वो कैसे है हम उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आप अपनी क्लास के चारों तरफ देखें, आप क्लास में बैठे हो तो आप अपने क्लास में देखिए कि आपके जैसा क्या कोई देखने वाला है, एग्जैक्टली आप जैसा कोई है, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा अगर होगा तो इसका मतलब वो क्या है, वो ट्विन्स है, वो जुड़वा है। जुड़वा जब होंगे तभी वो एक जैसे देखने में होंगे, वरना वो नहीं होंगे। तो ये जो अंतर है हमारे क्लास में और आप अपने सोसाइटी में भी देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, तो ये आपको अंतर देखने को मिलेगा। और ये अंतर क्यों होता है, ये हमारी डाइवर्सिटी आखिर क्यों हो रही है, यहां पर एग्जैक्टली यहां पर डाइवर्सिटी नहीं बता रहे, अभी बता रहे कि हमारे अंदर डिफरेंस क्यों है। तो ये हमारा रीजनल के कारण है, हमारे एरिया के हिसाब से है। एरिया में क्या है, आप इंडिया में रहते हैं, हो सकता है कि आप किसी अलग स्टेट से बिलोंग करते हो, आप गुजरात से बिलोंग करते हो, आपका फ्रेंड केरला से बिलोंग करता हो, या हो सकता है कि वो महाराष्ट्र से बिलोंग करता हो या मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हो, रीजनल डिफरेंस हो, या हो सकता है कि उसमें कल्चरल डिफरेंस हो, वो अलग कपड़े पहनता हो, वो अलग फेस्टिवल्स मनाता हो, वो उसके क्या हो, अलग वो रिलीजन का हो, वो अलग रिलीजियस हो, बैकग्राउंड का हो। तो ये सब आपको डाइवर्सिटी देखने को आपके क्लास में ही या आपके सोसाइटी में ही आपको ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो यहां पर ये चीजें आपको बता रहा है और कह रहा है कि आप अपने टीचर से ये कहें कि इन सब चीजों के बारे में आप अपने क्लास में पूछें, और आपको ये जब आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो अंतर है ये हमारे अलग अलग जगह रहने से होता है या हम जो कस्टम्स को फॉलो करते हैं उसके कारण होता है। अब यहां पर बात कर रहा है कि यहां पर तीन बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, वो ड्राइंग बनाते हैं, और आप अपना एक ड्राइंग यहां पर बनाएं, ये जो खाली जगह है यहां पर आप बनाएं, और बाद में आप जब कहेंगे अपने टीचर से तो आपको पता चलेगा हर बच्चा क्या कर रहा है, अलग अलग तरह की ड्राइंग बना रहा है। तो यहां पर देखिए आपकी जो थॉट है वो भी क्या है, आपकी जो ड्राइंग स्टाइल है वो भी अलग है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, हो सकता है कि आप कोई और लैंग्वेज बोलते हो, आप कोई अलग कल्चर से बिलोंग करते हो, या आप रिलीजियस रिचुअल जो आप फॉलो करते हो वो अलग होता हो। तो यहां पर आप देख सकते हैं ऐसे ही क्या है, आपकी ड्राइंग स्टाइल भी अलग हो सकती है। ये चीज हम यहां पर देख पा रहे हैं, जो हमारी ड्राइंग स्टाइल है यहां पर आप तीन बच्चों में आप देख पा रहे हैं कि ये अलग अलग आपको देखने को मिल रही है। तो यहां पर ये जो डाइवर्सिटी है ये हम स्टोरी से और अच्छे से समझेंगे। यहां पर देखिए
आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने को कह रहा है, आप अपने टीचर से कहें कि ये आपके क्लास में पूछे। जैसे कि कह रहा है कि आप कभी भी बाहर जाते हैं तो आप कैसे कपड़े पहनते हैं, या आप जब घर पे रहते हैं तो आप लोग कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं, या आपका फेवरेट स्पोर्ट क्या है, या आप कौन सी बुक को पढ़ना पसंद करते हैं। तो आपकी जब टीचर पूछेंगी तो पता चलेगा कि कुछ बच्चों को हैरी पॉटर बुक बहुत पसंद है, या कुछ बच्चे कहेंगे नहीं मुझे प्रेमचंद की बुक काफी पसंद है। तो यहाँ पर बुक वन और बुक टू में देखिए अंतर है। कुछ बुक वन पसंद करेंगे, हैरी पॉटर की पसंद करेंगे, कुछ प्रेमचंद को पसंद करेंगे, और कुछ कहेंगे जब भी मैं बाहर जाऊंगा तो मैं पैंट शर्ट पहनूंगा, और कुछ कहेंगे नहीं भाई मैं धोती कुर्ता पहनूंगा। तो ऐसा अंतर आपको देखने को मिलेगा। या कुछ कहेंगे कि मुझे तो भाई क्रिकेट पसंद है, कुछ कहेंगे नहीं मुझे फुटबॉल पसंद है। तो ये अंतर आप देख पाएंगे, आपके फ्रेंड और आप में ही ये अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। या आप यहां पर कह सकते हैं कि आपके घर में जो लैंग्वेज बोली जाती है और आपके आपके फ्रेंड के घर में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो हो सकती है अलग अलग हो। कहीं पे हिंदी बोली जाती है तो कहीं पे बंगाली बोली जाती है, कहीं पे मराठी बोली जाती है। तो ये अलग अलग लैंग्वेजेस होते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं, गेम देखते हैं, उनके पसंद हमेशा अलग होते हैं, वो डाइवर्सिटिव होते हैं, उनके अंदर अंतर होता है। इस चीज को हम और अच्छे से समझ सकते हैं अगर हम ये जो मैं स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूं वो आप समझ लें। तो यहां पर देखिए दो बच्चे हैं, दोनों का नाम क्या है, यहां पर दोनों का नाम समीर है। पहली बात कि एक बच्चा साइकिल चला रहा है, वो क्या करता है, वो स्कूल जाता है, इसको हम कह रहे हैं समीर एक, वन, और इसको कह रहे हैं समीर दो, जो पेपर बेच रहा है। यहां पे आप याद रखें समीर दो क्या कर रहा है, ये न्यूज़पेपर बेच रहा है, इसको नोट कर लें तो याद रहेगा आपको, कंफ्यूज नहीं होंगे। और ये क्या करता है, ये स्कूल से आ रहा है, समीर वन। तो यहां पर क्या है, आप ये समझ सकते हैं ये क्या है, ये समीर वन एजुकेटेड है, पढ़ रहा है, ये क्या है एजुकेटेड है, और समीर दो क्या है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये आप कह सकते हैं कि अनपढ़ है, और पूरी तरीके से अनपढ़ भी आप नहीं कह सकते हैं, ये थोड़ा बहुत समझ सकता है लैंग्वेजेस को, ठीक है। तो यहां पर जब ये बच्चा आ रहा होता है, समीर वन आता है स्कूल से लौट रहा होता है, तो समीर टू आता है पेपर देने के लिए और कहता है भैया आपको पेपर चाहिए, तो समीर वन कहता है हाँ मुझे हिंदी पेपर चाहिए। तो ये बच्चा जो पेपर लेके आता है ये बहुत आश्चर्य से देखता है, तो समीर वन कहता है तुम इतने आश्चर्य से मुझे क्यों देख रहे हो, तो वो कहता है आप देखने में तो अंग्रेज की तरह है तो आप हिंदी पेपर क्यों पढ़ना चाहते हैं। तो कहता है कि नहीं मेरा तो सब्जेक्ट ही एक हिंदी में है, हमारे स्कूल में एक सब्जेक्ट हिंदी में है, इसीलिए मैं हिंदी में पेपर पढ़ता हूं। तो ये बहुत आश्चर्य से देखता है उसकी तरफ और उसको दे देता है। दूसरे दिन जब वो बच्चा दोबारा आता है तो पहले वाला बच्चा दौड़ के उसके पास आता है और कहता है भैया ये लीजिए आपका पेपर। तो यहां पर वो हिंदी पेपर उसको देता है और जैसे ही वो साइकिल रुकती है आके ट्रैफिक में, और तब तक हरी लाइट हो जाती है और वो आगे बढ़ जाता है, वो साइकिल से आगे बढ़ जाता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, वो बच्चा आगे बढ़ जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हारे मदर फादर कहां रहते हैं। तो चलते चलते वो बताता है कि मेरी मां मेरठ में रहती हैं, मेरी मां मेरठ में रहती हैं। और यहां पर ये पता चलता है कि जो बच्चा पेपर बेच रहा है वो मुस्लिम है, क्या है मुस्लिम है, और जो साइकिल चला रहा है वो क्या है
हिंदू है। ये दोनों अंतर यहां पर पता चल जाता है दोनों के डिस्कशन में। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर क्या चीजें हैं। अब आपको अगर अंतर करने को कहा जाए कि दोनों बच्चे में अंतर क्या है, तो पहला तो देखिए क्या है, इसको इंग्लिश आती है, ये स्कूल जाता है, इसको इंग्लिश आती है, इसको हिंदी आती है। और दूसरे बच्चे को क्या है, इसको हिंदी बोलनी आती है, लिखनी नहीं आती है, इसकी सिर्फ स्पीकिंग है हिंदी। क्लियर हुआ? यहां पर रीड और राइट दोनों है, ये लिख पढ़ भी सकता है और इसको लिख भी सकता है। ये अंतर हो गया। ये हिंदू है पहला वाला, ये मुस्लिम है। इनका कल्चरल डिफरेंस है, इनका रीजनल डिफरेंस है। ये वहीं का रहने वाला है और ये बाहर का रहने वाला है, ये मेरठ का रहने वाला है। यहां पर देखिए, अब यहां पर क्या कह रहा है कि समीर वन और समीर टू में, अभी देखिए एक मैंने बताया अभी आपको अंतर, तो यहां पर सिर्फ अंतर नहीं बोल रहा है, यहां पर कह रहा है कि ये आखिर ऐसी क्यों दिक्कतें आई, एक स्कूल जा रहा है और दूसरा स्कूल नहीं जा पा रहा है, तो ऐसी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, या उसको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल रही है, ये क्या कर रहा है, ये रिसोर्सेस ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, जो स्कूल जाने का, बुक्स यूज करने का, और उसको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल रही है, रिसोर्सेस अपॉर्चुनिटीज जो उसके आसपास हैं, जो उसके मदर फादर उसको दे रहे हैं, वो उसको इस्तेमाल कर पा रहा है, लेकिन दूसरा वाला वहां पर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। ये क्या है, ये रिच है, और ये क्या है, ये पुअर है। तो यहां पर क्या है, ये जो अंतर बता रहा है, ये डाइवर्सिटी नहीं है, इसको हम कहते हैं जब रिसोर्सेस अपॉर्चुनिटीज हम प्रॉपर से इस्तेमाल ना कर पाए, हर कोई अगर बराबर से इस्तेमाल ना करे, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इनइक्वालिटी, वहां पर हम उसको डाइवर्सिटी नहीं कहेंगे। डाइवर्सिटी उस केस में होता है जब हम ये रिसोर्सेस को प्रॉपरली इस्तेमाल कर पा रहे हैं, हमको अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है, लेकिन हम अलग अलग क्या है, हम रीजन से बिलोंग कर रहे हैं, क्या हो गया है, हम हमारे अंदर क्या है, रीजनल डिफरेंस है या कल्चरल डिफरेंस है, समझ में आ रहा है आपको, या हम कोई और रिलीजन को फॉलो करते हैं, उसके कारण जब हमारा डिफरेंस हो जाए एक दूसरे के अंदर, तो हम कहेंगे वो डाइवर्सिटी है। लेकिन हम अगर रिसोर्स ही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं बराबर से, तो उस केस में हम उसको कहेंगे इनइक्वालिटी। ये दोनों का डिफरेंस अगर आपको क्लियर हो गया, तो समझिए ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया है। ये चीज आपको समझ में आई है या नहीं आई है, ये आप अपने दिल पे हाथ रख के एक बार कहें, सोचें कि ये चीज जो मैं अभी आपको बताया हूं, ये आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि इनइक्वालिटी क्या है और डाइवर्सिटी क्या है। ये अगर आपको समझ में आ गया है, तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। यहां पर देखिए, ये अंतर हमने इनइक्वालिटी की समझ ली है, ठीक है, और डाइवर्सिटी की समझ ली है। तो ये जो इनइक्वालिटी का चैप्टर है, ये हम बात करेंगे अगले चैप्टर में। ये जो डिस्कशन होगा, ये हमारा होगा नेक्स्ट चैप्टर में, इसका डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में इनइक्वालिटी का। अभी हम बात कर रहे हैं डाइवर्सिटी का, ठीक है, और हम अच्छे से डाइवर्सिटी को समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा। यहां पर देखिए, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं राइटर्स की। यहां पर राइटर्स क्या कह रहे हैं, राइटर्स देखिए अलग अलग क्या करते हैं, स्टोरीज लिखते हैं। इनकी जो स्टोरीज होती हैं, ये अलग अलग होती हैं। कुछ स्टोरी क्या होगी, एक लिखेगा गोस्ट के बारे में और दूसरा लिखेगा राजा के बारे में, किंग और क्वीन के बारे में, तीसरा लिखेगा एडवेंचरस स्टोरी, जो कि आपको क्या होगा, एनिमल से रिलेटेड या फॉरेस्ट से रिलेटेड होगा, एडवेंचरस स्टोरीज लिखेगा। तीसरा होगा जो आपकी स्टोरी लिखेगा, फैमिलियर स्टोरीज लिखेगा, जो आपके फैमिली से बिलोंग करेगा,
या कुछ इस तरह का, तो अलग अलग स्टोरीज कैसे आती है, क्योंकि वो अलग अलग रीजन से बिलोंग करता है, वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, वो अलग अलग सिचुएशंस में जाते हैं, वो उस एरिया में चले जाते हैं जहां के बारे में उनको स्टोरीज लिखनी होती है राइटर्स को, वैसा वो स्टोरी लिखने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, वो अलग अलग स्टोरीज लिख पाते हैं, अलग अलग स्टोरीज हम उनसे हमको मिल पाती है। और अगर ये सिचुएशन अलग हो जाए, मान लीजिए जो लोग हैं वो क्या हो, एक ही जगह पर रख दिए जाएं, वो एक ही तरह के कपड़े पहने और एक ही तरह का खाना खाएं और एक ही तरह के जानवरों के बीच में रहें, तो क्या वो अलग अलग स्टोरी लिख पाएंगे? नहीं, वो बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे। वो क्या करेंगे, वो सेम स्टोरीज लिखना शुरू कर देंगे। तो ये स्टोरी क्या, ये क्या होगा, ये बहुत ही बोरिंग हो जाएगी, हर कोई एक ही जैसी स्टोरी लिखने लगेगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए हमको इंडिया की डाइवर्सिटी को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। तो इंडिया में डाइवर्सिटी कैसे आई, कैसे हुआ, आखिर ये डाइवर्सिटी कैसी हमको समझ में आएगी? तो डाइवर्सिटी आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, अलग अलग क्या है, फेस्टिवल्स हैं हमारे यहाँ, कोई दीपावली मना रहा है तो कोई ईद मना रहा है, या कुछ लोग सारे फेस्टिवल्स मना रहे हैं मिलके, दीपावली मना रहे हैं साथ में मिलके, दुर्गा पूजा साथ में मिलके मना रहे हैं, अलग अलग लोग खाना खाते हैं, नॉर्थ इंडिया में चावल दाल सब्जी बन रही है तो साउथ इंडिया में क्या बन रहा है, डोसा बन रहा है, अलग अलग तरह के हमको चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी है, हम इसको समझने के लिए हम पुराने समय में अगर जाएं तो ये हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम पुराने समय में जाएं तो हमको क्या समझ में आएगा कि लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे, वो अलग अलग जगह में जब रहते थे तो उनको क्या होने लगा, वो अलग अलग कस्टम्स में घुल मिल गए, वो एक कस्टम से दूसरे कस्टम्स में बहुत आसानी से कुछ कुछ चीजों को उन्होंने ले लिया और साथ में वो मिलके रहने लगे। ये आप अच्छे से समझ चुके हैं, वो मिलके रहने लगे तो जो कस्टम्स थे वो एक दूसरे से मैच करने लगे, कुछ तो अलग थे और कुछ बिल्कुल सेम होने लगे। ठीक है, तो हम देखते हैं जैसे कि दीपावली एक मुस्लिम भी मनाता है, एक सिख भी मनाता है, एक क्रिश्चियन भी मनाता है, ऐसे ही हम ईद जब मनाते हैं तो हिंदू भी मुस्लिम्स के यहाँ जाते हैं। तो यहाँ पर हम काफी डाइवर्सिटी देख पाते हैं। ये क्यों हो रहा है, अलग अलग कल्चर के कारण हो रहा है जो कि मिक्स हो गया है, और हम जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किए हैं उसके कारण क्या हो रहा है, हम दूसरी जगह की नई चीजों को, जो नई जगह पे जा रहे हैं वहां पे हम उसको एडॉप्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे हर एक आदमी इस चार्ट में देखिए वो क्या है, अलग अलग तरीके से प्रेयर करेगा, पूजा पाठ करेगा, कहीं पे गाना गाया जाएगा तो कहीं पे वो ध्यान देके करेगा, मैरिजेस की स्टाइल अलग होती है, कहीं पे कोर्ट मैरिज होता है तो कहीं पे टेंपल मैरिज होता है। ये चीज आप समझ पा रहे हैं, अलग अलग हम ड्रेस पहनते हैं, मणिपुर में फोनेक पहना जाता है तो कहीं पे फ्रॉक और टी शर्ट पहना जाता है। यहां पर अलग अलग लोग जब आते हैं तो अच्छे से मिलते हैं, जैसे झारखंड में आप जाएंगे तो उनको जो कोई आएगा तो उनको जौहर कहा जाएगा, और जब कोई नॉर्थ इंडिया में आएगा, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, तो नमस्कार किया जाएगा। जो खाना बनेगा, खाना भी अलग अलग, जो चावल है अलग अलग तरीके से बनाया जाएगा। आप देखेंगे कहीं पे बिरयानी चावल बन रहा है तो कहीं पे फ्राइड राइस बन रहा है, कहीं पे कुछ बन रहा है, अलग अलग आप देखेंगे, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग चीजें हमको देखने को मिलती हैं। जैसे कि अगर आप ज्योग्राफिकली बात करें, ज्योग्राफी हमने काफी पढ़ा है तो हम थोड़ा अगर ज्योग्राफिकल एरिया को अगर हम ध्यान दें तो वहां पे आप क्या देखेंगे, आप देखने को आपको मिलेगा कि जब आप सी के तरफ जाएंगे तो वहां पे लिविंग स्टाइल अलग होगी,
जैसे कोस्टल रीजन में अगर कोई रह रहा है, केरल में अगर कोई रह रहा है, तो वहां पे क्या होगा, धोती कुर्ता पहना जाएगा। और अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे या आप लद्दाख की बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा, पश्मीना शॉल ओढ़ी जाएगी। तो यहां पर यह डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। यहां पर माउंटेन का रीजन है तो क्या अंतर है, और यहां पर सी का रीजन है तो क्या अंतर है। यहां पर आप देख पा रहे हैं ये ओशन के पास का रीजन है, कोस्टल रीजन है, तो क्या अंतर मिल रहा है आपको देखने को। यहां पर देखिए जो लिविंग स्टाइल है, यहां पर इसको और अच्छे से समझने के लिए हमारे जो अलग अलग डिफरेंट स्टाइल के ग्रेन्स और जो हम अलग अलग स्पाइसेस यूज कर रहे हैं अलग अलग रीजन्स में, उसको और अच्छे समझने के लिए हम दो रीजन को यहां पे फोकस करेंगे। एक होगा केरला और एक होगा लद्दाख। यहां पे लद्दाख का पहले हम रीजन समझते हैं, लद्दाख में क्या है। ठीक है, लद्दाख को देखिए, यहां पर अगर लद्दाख का रीजन देखिए तो ये क्या है, ये ड्राई रीजन है। यहां पे आप पहाड़ को देख पा रहे हैं, सूखा पहाड़ है, यहां पे पेड़ पौधे नहीं है। तो ये क्या है, ये कोल्ड डेजर्ट है। ये हमने कोल्ड डेजर्ट में डिस्कस भी किया है, ये ड्राई कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, ये कोल्ड डेजर्ट है, ये आप हॉट डेजर्ट से इसको कंपेयर नहीं करेंगे। यहां पे खाने का स्टाइल अलग होगा, यहां पे पहनने का स्टाइल अलग है, यहां पे वर्किंग स्टाइल बिल्कुल अलग है। तो यहां पर क्या है, देखिए इसको आप फोकस करिएगा। यहां पर ये ईस्टर्न पार्ट में है जम्मू कश्मीर के, अब तो ये अलग डिस्ट्रिक्ट हो गया है, ये पहले की बुक छपी हुई है तो ये कह रहा है। यहां पर बहुत कम एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर यहां पर बहुत कम है, और यहां पर स्नो हमेशा रहता है, तो हमेशा यहां पे पानी पीने के लिए लोग हमेशा मेल्टिंग सीजन का वेट करते हैं, जो कि समर में होता है। समर मंथ्स में जब स्नो मेल्ट करता है तभी वो क्या करते हैं, पानी पी सकते हैं और वो पेड़ों को ग्रो करा सकते हैं। यहां पे कुछ ही पेड़ ग्रो कर सकते हैं, बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, अपने साथ शीप रखते हैं, और शीप से मिला हुआ जो वुल होता है, ये पश्मीना वुल, ये काफी इंपॉर्टेंट वुल है। या इससे ये वुल क्या है, बहुत ही कॉस्टली होता है, और ये पश्मीना शॉल इसी से बनाया जाता है, ये बहुत ही कॉस्टली होता है और ये एक्सपोर्ट भी किया जाता है। ये पश्मीना शॉल वहां पर बहुत ही चीप मिलता है और इसको कश्मीर में बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है, और वर्ल्ड में भी बहुत ज्यादा इसको पसंद किया जाता है। यहाँ पे अगर खान पान की बात की जाए, वहां पे क्या खाया जाता है, तो वहां पे मीट बहुत पसंद किया जाता है और मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे चीज है, बटर है। और यहां पर जो गोट होता है उसको दजोस कहते हैं या काउ। ये क्या करता है, मैंने आपको सारी बातें बताई हैं। और यहां पर देखिए चाइना से जो ट्रेड होता है, यहां पर बहुत ज्यादा अच्छा रूट पाया जाता था पहले, यहां पर तिब्बत से यहां पर रूट था, ट्रेड रूट था, यहां पे कैनवसेस जाया करते थे तिब्बत से, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको मिनी तिब्बत भी कहा जाता है। यहां पर बहुत सारे टेक्सटाइल के काम, स्पाइसेस के काम होते थे इसी रूट के थ्रू, यहां पे सिल्क कारपेट्स बनाए जाते थे इस रूट में। यहां पर बौद्धिज्म पहुंचा लद्दाख के थ्रू तिब्बत में, और ये लिटिल तिब्बत कहा जाता है। यहां पे इस्लाम इंट्रोड्यूस हुआ इस रीजन में करीब 400 साल पहले, 400 इयर्स पहले यहां पे मुस्लिम्स आए, इस्लाम रिलीजन यहां पे फॉलो हुआ। लेकिन आप देखेंगे यहां पे जो मुस्लिम की पॉपुलेशन है और हिंदू की पॉपुलेशन है, ये काफी ज्यादा है। यहां पे हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, मैक्सिमम यहां पे मुस्लिम जो स्पोकन है वो ज्यादा है। यहां पे काफी रिच ट्रेडिशन है, यहां पे सिंगिंग और पोएम्स बहुत ज्यादा रिच है। यहां पे जो तिब्बत की नेशनल एपिक है केसर सागा,
ये भी परफॉर्म किया जाता है। और यहां पर दोनों हिंदू मुस्लिम दोनों ही इस कस्टम्स को फॉलो करते हैं। एपिक जब गाया जाता है, जब सिंग किया जाता है केसर सागा, तो हिंदू और बौद्धिज्म दोनों ही यहाँ पर फॉलो किया जाता है, दोनों ही इसको गाते हैं। यहाँ पे बौद्धिज्म, हिंदुइज्म, हिंदूज और यहाँ पे मुस्लिम्स बहुत आयत है। यहाँ पे ज्यादा क्या पाए जाएंगी, बौद्धिज्म बुद्धिस्ट पाए जाते हैं और हिंदू मुस्लिम पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पे बुद्धिस्ट पाए जाएंगे, बुद्धिस्ट कल्चर है यहाँ पे। फिर उसके बाद है मुस्लिम्स और फिर है हिंदूज। ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं केरल की। यहां पर देखिए, हमने लद्दाख में देखा है कि ये बहुत ही ड्राई सीजन था यहां पर। अब केरला की अगर बात करेंगे हम, तो केरला क्या है ये आप जानते हैं, ये कोस्ट का रीजन है, ये ड्राई नहीं होगा। यहां पे क्या होगा, रेनी सीजन में बहुत ज्यादा पानी बरसेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, कोस्टल रीजन में है, ये कोस्टल रीजन है। यहां पर बहुत ज्यादा ठंडी नहीं होगी, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होगी, ये इक्वल होगा। क्लियर है ये चीज। अब यहां पर देखिए केरल कहां पर है, ये साउथ वेस्ट रीजन में है, जैसा कि आप यहां पे मैप में देख सकते हैं। और यहां पर एक साइड में हिल है और एक साइड क्या है, सी की तरफ है। यहां पे स्पाइसेस बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, पीपर पाया जाता है, क्लोव पाया जाता है, कार्डमम पाया जाता है। और इसी के कारण क्या हुआ था, यहां पे जूस और अरब्स बाहर से आए थे और यहां पे अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट जो कि सेंट थॉमस है, ये भी यहां पर आए थे। ये जो क्राइस्ट के फॉलोअर थे सेंट थॉमस, ये यहां पर आए थे पहली बार और इन्होंने क्रिश्चियनिटी को 2000 साल पहले यहां पर इंट्रोड्यूस किया था। और कई अरब यहां पर आए और इब्न बतूता बहुत ही फेमस है, जिन्होंने क्या किया, यहां पर ट्रैवल अपनी स्टोरी लिखी मुस्लिम्स के बारे में, कहा कि मुस्लिम यहां पर बहुत ज्यादा हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है, इब्न बतूता ने कहा। और पोर्टुगीज की बात की जाए तो पोर्टुगीज ने सी रूट जब फॉलो किया यूरोप से इंडिया के तरफ, तो इसमें सबसे पहले आने वाले कौन थे, वास्को डी गामा थे, जो शिप के थ्रू केरल में आए थे। और यहाँ पर अगर हम केरला की बात करें, यहाँ पे कौन कौन से रिलीजन प्रैक्टिस किए जाते हैं, तो यहाँ पे जोरास्ट्रियम, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, बौद्धिज्म, ये सब यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं। और यहाँ पर देखिए मछली पकड़ने के लिए, क्योंकि ये कोस्ट पर है तो यहाँ पर मछली पकड़ी जाती है। यहाँ पर जो मछली होती है वो बिल्कुल जैसा चाइनीज लोग फिशिंग नेट यूज करते हैं वैसा ही यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कहा जाता है चीना वाला। और जो यूटेंसिल्स होते हैं जिसमें फ्राई किया जाता है फिश को, उसको कहा जाता है चीना चाटी, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हुई। और चीन जो वर्ड है ये कहाँ से आया है, ये चाइना से आया है। और यहाँ पर जो लैंड है या क्लाइमेट है ये क्या है, ये फर्टाइल बहुत ज्यादा हो जाता है क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण, तो यहाँ पर राइस बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है क्योंकि पानी यहाँ पे बहुत ज्यादा है और आप जानते हैं स्टेबल वाटर चाहिए होता है राइस को ग्रो करने के लिए। इसीलिए यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या करती है, राइस खाती है, फिशिंग करती है और वेजिटेबल्स को खाती है। और यहाँ पे आप देखेंगे बोट रेस होती है ओनम फेस्टिवल में, केरला में ये बहुत ज्यादा फेमस है। देखिए ये जो आप डायग्राम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये इसी तरह का ओनम फेस्टिवल में लाइन से लोग बैठते हैं और रेसिंग होती है। यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि देखिए जो केरला है और जो ये लद्दाख है, दोनों ही जगह पर आप देखेंगे अगर रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों ही क्या है, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही अलग हैं। लेकिन अगर हम
हिस्टोरिकली देखें, अगर हम इन दोनों की हिस्ट्री पे ध्यान दें तो दोनों ही जगह आप देखेंगे कि यहां पर दोनों ही जगह पर चाइनीज आए थे और अरब आए थे। लेकिन इन दोनों में क्यों अंतर हुआ? क्योंकि यहां पर इन दोनों का क्या था? रीजनल डिफरेंस था। ज्योग्राफी के कारण ये क्या हुए? चाइनीज आए दोनों ही जगह पर, अरब आए दोनों जगह पर, लेकिन इन लोगों में अंतर हो गया। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो डाइवर्सिटी होती है वो ज्योग्राफिकली भी हो सकती है और हिस्टोरिकली भी हो सकती है। और कहीं कहीं पर हम देखते हैं हिस्ट्री के कारण क्या हुआ, जो अलग अलग लोग आए उनमें काफी ज्यादा अंतर हुआ। ज्योग्राफी के कारण नहीं हुआ, लोगों के कारण हुआ, या उनके कस्टम्स के कारण हुआ, उनके आसपास की कम्युनिटी के कारण हुआ। तो यह हम अंतर अक्सर देखने को हमको मिलता है, चाहे वो कस्टम कहो, ट्रेडिशन कहो, ये हमको जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमको ये चीज देखने को मिलती है। अब ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो ये जो शब्द है ये किसने दिया? ये नेहरू ने दिया था, पंडित नेहरू जी ने हमको ये दिया था। और ये इसको हम और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं? देखिए, जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए, हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं, जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए इन्होंने हमारे यहाँ 200 साल हमारे पर रूल किया और ये सोचते थे कि हमारे यहाँ अलग अलग रिलीजन है, हमारे यहाँ मुस्लिम्स हैं, हमारे यहाँ हिंदू हैं, तो हम इन दोनों को भिड़ा देंगे, अगर दोनों में झगड़ा लगा दें तो हम यहाँ पे बहुत आसानी से रूल कर सकते हैं। लेकिन वो यहाँ पर गलत थे और कुछ अगर हम कहें तो सही भी थे, इसीलिए इंडिया और पाकिस्तान बना। लेकिन सही क्यों थे? क्योंकि हम इनको भगाने में सक्सेसफुल रहे। आप देखेंगे कई मैन ऑफ वुमेन अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते थे लेकिन वो साथ में आए और ब्रिटिशर्स को उन्होंने क्या किया? इंडिया से भगाया, उन्होंने वापस भगा दिया इंडिया से, वो इंडिया में टिकने नहीं दिए, यहां से उन्होंने भगा दिया। और कहां गए वो? वो ब्रिटेन चले गए। कहां चले गए? भागकर वो ब्रिटेन चले गए। क्लियर है? तो ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि काफी उनके कोशिश करने के बाद भी वो हमको तोड़ नहीं सके। हम अलग अलग रिलीजन के थे लेकिन हमारे कुछ कुछ चीजें सिमिलर थी कि हम लोग दोनों ही, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई भी रिलीजन का हो, हम लोग में क्या सिमिलैरिटी थी कि हम लोग दोनों से ही, दोनों या जितने भी रिलीजन थे, हम लोग ब्रिटिशर्स से परेशान थे, हम उनको यहां से भगाना चाहते थे। ऐसा ही हम देख सकते हैं जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। जलियांवाला बाग मैसेकर क्या है? जलियांवाला बाग अमृतसर में जगह है, वहां पर हर रिलीजन के लोग इकट्ठा हुए, चाहे वो हिंदू थे, सिख थे, मुस्लिम थे, अमीर था, गरीब था, वो एक जगह पर वहां पे गैदर हुआ और वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगे। और आर्मलेस प्रोटेस्ट था, वो कोई बम या बंदूक हाथ में नहीं लिए हुए थे और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमको आजादी दो। लेकिन उस समय क्या हुआ, जनरल डायर था, ब्रिटिश जनरल ने वहां पे क्या किया, ओपन फायर करा दिया, दरवाजों को बंद करा दिया और पीसफुल प्रोटेस्ट में उन्होंने क्या किया, लोगों को मरवा दिया। और इसी मेमोरी में यहां पर गाने गाए गए जो कि आपको यहां पर दे रखा है। यहां पर कह रहा है इस गाने में कि उस उन दिन को आप याद करें जब ऐसा हुआ था, खून बहा था, और आप क्या करें, उस समय को याद कर आपके आंखों में आंसू आए। और उन हंटरों ने क्या किया, फ्लावर को तोड़ लिया। यहां पर क्या कह रहा है वो, ये हंटरों का किससे रेफरेंस है? यहां पर हंटरों का रेफरेंस ब्रिटिशर्स से है, हमारी खुशियों को ले लिया, हमारे रिचनेस को वो लोग तोड़ ले गए। लेकिन हमको क्या करना है, वो रिचनेस वापस लाना है, हमको वो खुशियां वापस लानी है। और यहां पर क्या हुआ, बुलेट के कारण जलियांवाला बाग में कई लोग मरे हैं, कई लोग सो गए हैं, और हम लोग को वहां पे क्या करना है,
लैंप जलाना है, हमको उनको क्या करना है, हमको वो उनके चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, उनका जो ब्लड गिरा है, जो बहा है, उसको हम जो नदियां बही हैं ब्लड की, उसको याद करके हमको कुछ समय वहां पर उनके ग्रेव के पास में रहना है, हम उनको याद कर कर दोस्तों हमको रोना है। ये चीज इस पोयम में कहा गया है। यहां पर आप देख पा रहे हैं ये जो सॉन्ग है, जो ये सिंबल है, जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में क्या हुआ, झंडा बनाया गया, झंडा तैयार हुआ, ये एक सिंबल है यूनिटी का। डाइवर्सिटी के होने के कारण भी हम क्या है, हम यहां पे यूनाइटेड हुए और हमने एक ब्रिटिशर्स को हमारे इंडिया से भगा दिया, हमने एक फ्लैग बनाया जो हर जगह फहराया जाता था। ये क्या थी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक सिंबल था। और यहां पर नेहरू ने देखिए एक बुक में कहा है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड द वाइजेस्ट टॉलरेंस ऑफ द ब्रीफ एंड कस्टम वॉज प्रैक्टिस्ड एंड वेरी वेराइटी एक्नोलेज्ड एंड इवन इंकरेज्ड। यहां पर क्या है, कह रहे हैं कि ये जो अंतर है ये सिर्फ गहरा नहीं है, ये बहुत ज्यादा गहरा है, लेकिन उसके बाद भी क्या है, हमारे अंदर ये जो कस्टम्स हैं बहुत ज्यादा अंतर हैं, लेकिन हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, हम एक्नॉलेज करते हैं। और ये क्या है, हम सबसे पहली बार यहां पर जाने कि ये जो वर्ड है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सबसे पहली बार पंडित नेहरू ने हमको ये एज अ गिफ्ट दिया। और यही इस जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो ये एक बार और कब हमको देखने को मिला, ये नेशनल एंथम के द्वारा हमको मिला, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने हमारे लिए दिया है। इसमें भी कई बार आप देखेंगे जनगणमन आप जब पूरा पढ़ें तो आपको पता चलेगा कई बार यूनिटी इन ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पे कहा गया है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी आपको इन सब चीजों से देखने को यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है, हम अब एक एक क्वेश्चन को डील करते हैं जल्दी जल्दी से, आप यहाँ पर आंसर इनके लिखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि हम डिफरेंट फेस्टिवल्स को फॉलो करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, और हम डिफरेंट रीजनल और रिलीजियस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हम इनको एक साथ इनलिस्ट करें। आप लिखें कि कौन कौन से हम डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं और क्या हम वहां पे कस्टम्स फॉलो करते हैं, कौन से फेस्टिवल्स हम उनको फॉलो करते हुए देखते हैं। आप अपने आसपास के लोगों को देखें और इसको इनलिस्ट करें। और कह रहा है, व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विथ रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड्स टू योर लाइफ। ये जो डाइवर्सिटी है हमारे आसपास, ये हमारे लाइफ में क्या रिच हेरिटेज ला रही है, हमको अलग अलग रिलीजन के बारे में बता रही है, हम वो कस्टम्स सीख पा रहे हैं। हम नहीं तो सिर्फ अपने ही कस्टम्स के बारे में जानते, हम अलग अलग लोगों से अगर हम दोस्ती करते हैं तो हमको क्या होगा, अलग अलग कस्टम्स के बारे में जानने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए टर्म जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, यहाँ पे हमने काफी इसके बारे में बताया है, इसको आप डिस्क्राइब करें। और पंडित नेहरू ने ये बात जो कही है ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, इसको आप जो एक सेंटेंस में कहा है इसको आप समझाने के लिए कोशिश करें। जो पोयम यहाँ पे जलियांवाला बाग में गाया गया था उसके बारे में मैंने काफी कुछ कह दिया है, उसको आप समराइज करें। और यहाँ पर आप देखिए कुछ इंडिया में सिमिलैरिटीज हैं ज्योग्राफिकली और हिस्टोरिकली, जो कि डाइवर्सिटी पे इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिसके कारण डाइवर्सिटी आ रही है या जिसके कारण हम अपने अंदर ये अंतर देख पा रहे हैं, हम इनको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे और इसके सिमिलरिटी हम कैसे बताएंगे, ये हमको बताना है। थैंक यू फ्रेंड्स, इफ यू लाइक अवर वर्क प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल पूरा एजुकेटर द वे टू द सक्सेस, शेयर द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट बिलो। ये हमारा नया चैप्टर शुरू हुआ है क्लास सिक्स का, पॉलिटी का, सिविक्स का, इसको आप फॉलो करते रहें। मैं आपके लिए और वीडियोस इस क्लास के लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, विल मीट यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो।